कल की वीडियो पे जो पहला कमेंट किया है वो किया है इस्माइल व्लॉग्स ने, सेकंड कमेंट किया है प्रिंस 89 जट ने, थर्ड कमेंट किया है वसीम बट व्लॉग्स ने, फोर्थ कमेंट किया है सलमा बानू ने, एंड फिफ्थ कमेंट जो किया है वो किया है रमीज व्लॉग्स पहाड़ी ने। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी आ चुके हैं हम क्रूज में सुबह सुबह, तो ये रहे आदिल भैया, इनकी ये क्रूज है। तो गाइस अभी हम इसका सनरूफ खोलते हैं, देखते हैं कैसा फील आता है सनरूफ से बाहर निकल के, बिकॉज इससे पहले मैं क्रूज में बैठा नहीं हूँ ना। आदिल भैया बैठे, हाँ आदिल भैया बैठे, मगर कौन सी वाली, आमिर भैया की क्रूज में। सो अपनी क्रूज है गाइस, रुको बाहर निकल के दिखाते हैं आपको। ये देख लो गाइस, कुछ ऐसा व्यू है इस टाइम, क्या बात है। ये बड़ा प्यार गाइज, इतनी प्यारी गाड़ी में ना, ये इतना प्यारा टॉय है, देख रहे हो कितना ज्यादा सॉफ्ट है। सर सुबह सवेरे ना, ये देख रहे हो आदिल भैया ने मुझे सुबह ही उठा दिया, बोलते चल नीचे क्रूज आई है, क्रूज में बैठेंगे, क्रूज में गेड़ी मारेंगे। भाई अपनी तो, क्रूज है यार, क्या करे भाई, मुझे ना उठा दिया आदिल भैया ने, तो इसी वजह से अभी हम सुबह सवेरे यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहे हैं। क्या बात है, क्रूज में बैठने का फील ही अलग है। अभी हम इसका आपको आउटलुक दिखाते हैं, आउटलुक कैसी दिखती है। कुछ इसका कलर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन विद रेड एंड ब्लैक, तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट भी है रूफ पे एंड मिरर्स पे, जो कि साइड मिरर्स है, एंड गाड़ी पूरी एकदम लिट है गाइस। इसका सिर्फ अलॉय चेंज होगा, बिकॉज इसका अलॉय जो है स्टॉक अलॉय है, एंड टायर भी स्टॉक है, एंड इसका ना थोड़े से चौड़े टायर डलवाएंगे आदिल भैया, एंड अलॉय भी इन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। तो अभी ये देख लो गाइस, क्रूज का बैठने में फील ही अलग है भाई, टोटल ना टॉप मॉडल है, एंड चाबी का इसमें कोई खेल ही नहीं है। हाँ सेंटर लॉक ओपन करो, बाकी खेल हाथों का। ये पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, बाकी स्टेयरिंग जो है ना एडजस्टेबल है, वो तो होता ही, बट क्रूज में तो होता ही होता है गाइज। एंड ये क्या चीज़ है, शायद चार्जर वगैरह होगा, एंड यहाँ पे रहा गियर शिफ्ट इसका, मतलब शेवरलेट ने ना एक अलग ही चीज बनाई हुई है क्रूज नाम से, ऐसा लगता है कि आप कोई जेट बना रहे हो। गाइस अभी हम निकल चुके हैं रूम से बाहर, एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट। सबसे पहले हमें जाना है साइंस कॉलेज, एंड उसके बाद जाना है गाड़ी की सर्विस करवाने। तो फिलहाल के लिए अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। धूप ना हल्की हल्की निकल चुकी है, एंड क्लाउड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सर्दी सुबह के टाइम बिल्कुल जीरो है गाइस। तो यहाँ पे रही गाड़ी, हम आ चुके हैं मार्केट। अभी थे हम मंडी में, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह ले ली। तो क्रूज ना हमने छोड़ दिए वर्कशॉप पे, एक्चुअल में उसका थोड़ा बहुत काम होना था, और अभी हम स्कॉर्पियो में आए। यहाँ पे स्कॉर्पियो के भी कुछ पार्ट्स जो है ना मंगाने थे, बट वो यहाँ पे नहीं मिले, अब वो ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, अब निकलते हैं हम यहाँ से वापस घर। ये रही यहाँ पे स्कॉर्पियो, अपना सामान जो है लोड हो चुका है, कुछ बाहर है, अब वो भी लेकर आते हैं एंड इसको पूरा पैक कर दे। चोर सर्वे हो रही है, सर्वे सच में हो गया, देखो इसने पूरी गाड़ी खाली कर दी। फाइनली गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे, ऐसा लग रहा है ना कि भद्रवाह पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ना बहुत ज़्यादा है, यहाँ देख रहे हो आसपास एंड इस तरफ से। सो गाइज अभी हम रुक चुके हैं यहाँ होटल पे चनैनी खाना खाने के लिए। निकलना हमने 12 बजे था, बट निकलते निकलते 2:30 बज चुके हैं, एंड इस टाइम पर शायद टाइम 3:30 होगा। रास्ते में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइज, इसी वजह से मैंने जैकेट वगैरह उतार दी।
एंड जितना हम डोडा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं ना गाइस, उतनी ज़्यादा सर्दी हमें फील हो रही है। तो जम्मू में तो मौसम बिल्कुल चेंज हो रखा है, बट इस साइड अपनी वाली साइड ना अभी भी मौसम ऐसा ही है, ठंडा मौसम है।